हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम यहां पर फेशियल पाल्सी की ट्रीटमेंट आपको बताने वाले, ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाले कि जिनके जरिए आप फेशियल पाल्सी की ट्रीटमेंट घर पर ही कर सकते हो बिना किसी दवाई के और बिना किसी खर्चे के। तो पहले जान लेते हैं फेशियल पाल्सी क्या होता है और क्यों होता है। फेशियल पाल्सी यानी कि हमारा जो फेस होता है वह फेस का आधा हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, और यह पैरालिसिस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वह है हमारी जो फेशियल नर्व है इसमें इन्फेक्शन लग जाना, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाना। इनकी वजह से हमारे जो आधे फेस का हिस्सा होता है वह पैरालिसिस में चला जाता है, यहाँ के जो मसल्स होते हैं वह पैरालिसिस हो जाता है। इनकी वजह से आप अपने आईब्रो को लिफ्ट नहीं कर पाते हो, आँख को बंद नहीं कर पाते हो, स्माइल नहीं कर पाते हो। जैसे ही आप खाना खाते हो तो खाने को अच्छी तरीके से चबा नहीं सकते हो, पानी पीते हो तो पानी एक साइड से निकल जाता है। इस तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाते हैं। फेशियल पाल्सी खास करके विंटर की सीजन में सबसे ज्यादा होता है, पर यह किसी भी सीजन में हो सकता है। हमारे कान का जो पर्दा होता है इनके पीछे कोडा टिम्पेनी नाम की नव होती है, अगर वहां पर ठंडी लग जाती है, वहां पर इन्फेक्शन लग जाता है तो फिर इनकी वजह से फेशियल पाल्सी हो सकता है। तो यहां पर जो मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूं वह डॉक्टर वॉल का इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पॉइंट है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। यह पॉइंट का नाम है UB9 यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 9 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट का लोकेशन जान लेते हैं, किस तरीके से यह पॉइंट को दबाना है, फिर मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके कैसे आप यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के फेशियल पाल्सी का इलाज घर पर ही कर सकते हो, वह पूरी डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ यहाँ पर आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो फिर जान लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट हमें थंब की जो बैक साइड है वहाँ पर इस जगह पर मिलता है। जान लेते हैं किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। जो हमारा थंब का यह जोड़ है, यह जोड़ का जो मिड पॉइंट है, यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा लेटरल यानी कि इंडेक्स फिंगर साइड और थोड़ा सा ऊपर हमें इस जगह पर यह पॉइंट मिलता है। बहुत ही थोड़ा सा आपको बाहर और ऊपर की साइड खिसकना है। फिर से जान लेते हैं, हमारा जो थंब है, थंब का यह जोड़ है, यह जोड़ का मिड पॉइंट, यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा बाहर और ऊपर की साइड हमें इस जगह पर यह पॉइंट मिलता है। बहुत ही आसानी से यह पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो। पॉइंट को लोकेट करने के बाद आपको इस तरीके का जो एक्यूप्रेशर टूल होता है यह टूल का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए यह पॉइंट को एक्यूप्रेशर देना है। इनके बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके का स्मॉल मैग्नेट यूज करना है। यह मैग्नेट को ब्योल मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यह कि इनकी एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है और एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है। अगर येलो सरफेस हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर वाइट सरफेस हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पर हमारा जो यह पॉइंट है इनकी एनर्जी हमें बढ़ानी है, इसलिए मैग्नेट की जो येलो सरफेस है यह येलो सरफेस को हमारे पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है। जान लेते हैं किस तरीके से मैग्नेट को लगाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से आधी ही चौड़ी पेपर टेप लेनी है, फिर यह टेप के ऊपर मैग्नेट को लगा देना है। इस तरीके से लगाना है ताकि ऊपर से आपको इस तरीके से येलो सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको इस तरीके से वाइट सरफेस दिखे। फिर हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट के ऊपर यह मैग्नेट को चिपका देना है, अच्छी तरीके से लगाना है। इनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप भी लगा सकते हो ताकि यह मैग्नेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। यह मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में
में 6 से 8 घंटे इनको लगा के रख सकते हो। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी जगह पर सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप मेथी दाने ले सकते हो, यानी कि फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप मूंग के दाने ले सकते हो। यहाँ पर मैं मूंग के दाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधे ही चौड़ी पेपर टेप लेनी है, फिर यह टेप के ऊपर 1 या तो 2 मूंग के दाने को लगा देना है। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दाने को अच्छी तरीके से लगा देना। इनके ऊपर भी आप दूसरी पेपर टेप लगा सकते हो। यह दाने को भी आप मैग्नेट की तरह पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे भी लगा के रख सकते हो। अगर दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो यह पॉइंट को हर एक घंटे आप 1 या तो 2 मिनट के लिए इस तरीके से एक्यूप्रेशर भी दे सकते हो, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर मैग्नेट की तरह आप सीड को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीड में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज हो जाती है। इसीलिए फिर यह सीड हमारे कोई काम का नहीं रहता है, दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नया सीड लेना जरूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, किस तरीके से दबाना है, फिर मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके किस तरीके से यह पॉइंट को ट्रीटमेंट देके आप फेशियल पाल्सी का इलाज घर पर ही कर सकते हो, वह पूरी डिटेल में जान लिया। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी को फायदा मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।